मॉर्निंग फ्रेंड्स, और अभी बज गए हैं सुबह के 8 और हम लोग जा रहे हैं बुल टेम्पल। और कल रात को ना थोड़ा देर हो गया था हम लोग को रूम में पहुँचते, इसलिए वीडियो नहीं बनाया क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे। अभी जा रहे हैं सुबह सुबह उठ के फ्रेश होके, ये देखो तैयारी भी हो गई हमारी, बैग। अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं, सुबह के 9 बज गए हैं। हम लोग ब्रेकफास्ट एकदम जबरदस्त खाने वाले हैं, दबा के इडली सांभर और मसाला डोसा लिया है हम लोग, और ऐसा खाएंगे कि मिमी कर रहे हैं उसको कुछ दे देंगे। ये तो चाहो तो चालू करते हैं खाने के लिए, क्योंकि अभी इसको देखिए इडली सांभर देखिए और रहा नहीं जा रहा है हमसे, भूख भी लगी है। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट हमारा हैवी होता है, इधर मैंने डोसा लिया है और कॉफी लिया। ये देखो लिया, ये बहुत मस्ती कर रही है, देखो ये हमारी गाड़ी है इधर। ये कुछ नहीं जाट रहे हैं पेपर तो ठंडा, यहाँ का टेम्परेचर ना बहुत ही कम है, मतलब गोवा जितनी गर्मी नहीं है इधर, गोवा में तो बहुत गर्मी होती है। ये मसाला डोसा बहुत ही टेस्टी है और इडली का भी, इडली भी बहुत ही टेस्टी है। ये देखो उसने रो रो के सुबह सुबह स्ट्रॉबेरी जूस लिए, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक लिया है, और उसने वो फोटो देखा था इधर, देखो ऐसा, और ये फोटो देख के वो वही मांगने लगी कि स्ट्रॉबेरी नहीं था, बाद में उन लोगों ने आइसक्रीम डाल के मिल्क शेक बना के दे दिया। ये सीजन तो स्ट्रॉबेरी का नहीं है। ओके ओके ये कृष्ण भगवान का मंदिर है, और ये देखो उनका रथ, रन रन बेटा रन, यस यस, ये देखो मंदिर काफी सुंदर है।
छोटा सा मंदिर है लेकिन बहुत ही अच्छा जगह पे है। यस टेढ़ा दिता मनी ए कुछ दिले तेका तेका पैसे दी ते पैसे मागता पापा कर चलो भैया मुआ पापा कर दिस टेम्पल इज अ बिग बुल टेम्पल इज अ ओनली वन स्टोन इज अ टेम्पल 386 इयर्स ओल्ड टेम्पल येशु जी का नंदी है ना नंदी पर आके पूरा खाता था उसके लिए एक साल का एक टाइम फेस्टिवल होता है ये स्टैचूस है ना पूरे एक साल का वेरी बिग फेस्टिवल है कड़ले का ही परिचय बोलता है इधर वो ये क्या है ये मंदिर पे एक साल का एक टाइम होगा तो पूरा ग्राउंड हट जाता है कितना गांव में ग्राउंड आता है वो सब इधर ही आता है एक साल का एक टाइम बहुत बढ़िया फेस्टिवल है वो है शिव जी का गुफा का अंदर मंदिर है नाम रवि गंगाधरेश्वर और ये इधर भी शिव जी का टेम्पल है शिव जी का छोटा है वेरी बिग वन ये इधर नंदी है ये नंदी देख के आई है आपको बाद में वो दिखाता हूँ बाद में आपको फेम है तो टीपू सुल्तान समर पैलेस वो देखा हम लोग और जेसी रोड जाने का जेसी रोड में क्या है
और होलसेल मार्केट किधर? आपको अभी मंदिर जाता है ना, वो आपको क्या मैडम सिल्क इधर का फेमस है, मैसूर सिल्क और प्योर गोल्ड जरी रहता है एंड सिल्क वेरी सॉफ्ट आता है एंड वन मोर इज देयर कांजीवरम बोलता है वो दैट इज द एक्सक्लूसिव सारी दैट इज द कांजीवरम कभी भी देखो इधर बनता है ना इधर जाए रीजनेबल प्राइस इज द होलसेल प्राइस इधर से कैसे जाने का क्वालिटी आपको मैडम रविशंकर टेम्पल का नाम डालने का नहीं है कभी गंगाधर दिखाता हो वो सिल्क फैक्ट्री दिखाता हो और चंदन फेमस है इधर सैंडलवुड मेन इधर सैंडलवुड के लिए आता है चंदन का अगरबत्ती सोप ऑयल परफ्यूम फेस पैक इज स्पेशली लेडीज के लिए यूज मेंस को भी है मेंस एंड लेडीज दो भी अभी हम लोग रिक्शा में जा रहे हैं ये हमें रिक्शा वाला मिल गया वो हमें थोड़ा कुछ प्लेसेस मंदिर में जाके दिखाएगा कैसा अच्छा है इधर मंदिर ये ऑटो रिक्शा अच्छा भैया भैया आपका नाम क्या है महेश 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 नाम है इसका अभी ये हमको गाइड करेगा दो तीन जगह पे उधर इधर से 2 किलोमीटर दूर है बिग बुल मंदिर के आगे से रवि गंगाधरेश्वर टेंपल में लेके जा रहा है वो शिव जी का टेंपल है जो गुफा में है मतलब केव में अंदर टेंपल है और उधर ही बाजू में बालाजी का टेंपल है और सिल्क फैक्ट्री है ये मैसूर सिल्क और सैंडलवुड के लिए बैंगलोर फेमस है इसलिए वो हमको उधर लेके जा रहा है और रेकमेंड भी उसी ने किया था हमको मंदिर के बाजू में बोला तो चलो दिखा के आएंगे ऐसा बोला हम लोग भी बोला चलो हमारे पास टाइम है जाएंगे देखने ये देखो रिक्शा में घूमने को मजा आता है और उसका रिक्शा एकदम ऐसा है कि और कार एकदम क्लीन म्यूजिक सिस्टम है देखो पीछे म्यूजिक सिस्टम लगाया उसने एकदम जबरदस्त है हाँ ये देखो ये डिजाइन देखो उसके रिक्शा में पूरा ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत अच्छा रिक्शा है यार फ्लाइट में बैठा है ऐसा लग रहा है मतलब पूरा मेंटेन करके रखा है नंबर डाला है इन लोगों ने अब उसने गाना भी लगाया हमारे लिए नहीं दिखा देते